cabrón, me cansé que la ola, la madre, claro, güey. Ahí es, allá va vos. ¿De quién? Vale. A Micaela el Libonier. Ah, pues, राष्ट्रीय लोक जनता दल बना लिए पार्टी छोड़ी के उपेंद्र देखिए बात है ये था कि इनके लिए अब जगह अभी नहीं बचा है कहीं इनका यही चीज है यार जाएंगे भाजपा में जाएंगे तो वहाँ महत्व नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि उनका कर्तव्य आना है एनसीपी में आइए देखिए कैसे महत्व नहीं आएगा वो एनसीपी से वापस गया है भाजपा में जाएंगे समर्थन में रखेगा सब कोई भी वोट डिस्प्यूट हो जितना होना लेकिन मिलाएगा नहीं अपने दल को मिलवे ना करी अरे वो छोड़ो ना मतलब जो बात है वही है मिलेगा क्या करेगा उसका काम है बात करने के बाद लेकिन अब कोई भी देख रहे हैं कि उनकी नियत सही नहीं है कोयरी के दो तीन गो गाँव हमारे संपर्क में है हरदम रहता है भैया तो आप सामाजिक आदमी ने सर्व समाज को लेकर चलने वाले नहीं व्यक्तिगत संबंध पारिवारिक टाइप का संबंध बरुना गांव है सुंधिला गांव है गाँव में 20-25 घर है तो सुंधिला के चलते राहुल का हर जगह ये भाई मैं तो दूर आई नहीं तो उसमें जानते हैं क्या उन लोग कहना है कि इनका रोज का पैसा बन गया आप खोज क्या रहे आपको खुदे जब एक बार मर चुके हैं आप मरते मरते रहना चाहिए तो हमें लगता कि नहीं हमारा नेता मरते भी हमारे साथ रहेगा बिल्कुल आपने अंतिम समय में जाकर के उसके पास चले गए जिसने जिसके यहाँ से छोड़ के गए जिसने लाठी तो मार कर खैर फिर भी नीतीश बाबू को इससे कुछ नहीं होगा हालांकि और उसका फायदा होगा आपको आने से जो बहुत सारे कोई भी नहीं जा रहे हैं आपके साथ अब दिनभर कोई भी नहीं जा रहे कर्नाटक में कांग्रेस पास बीजेपी के विनोदर भैया की कोई बनाई नहीं रहा भाई जी जेल खेती करता था कोई ना भाई लड़ाई करो था जी अरे खत्म हो गया खत्म तो वही सब चीज रही विनोद खैर जी एनसी में रह चुके हैं एनसी में कहते हम इसमें मरते दम तक नहीं लग रहे एनसीपी से बहुत जल्दी आकांक्षा वादी है राजनीति में आकांक्षाएं बहुत होती है सर इतना नहीं होनी चाहिए और इतनी नहीं आकांक्षाएं भी इतनी नहीं किसी से होनी चाहिए मोबाइल खुला है अच्छा रहता कि इस पर चले जाते ये कुछ उनका जो आकांक्षा है कि इनको सर्वोपरि मानी है अभी किस टाइम को वही आपका देखिए स्थान लेने के लिए जैसे ललन सिंह जैसा आदमी हर टाइप से मजबूत वो आदमी गुड़ बनकर कुछ अपने नीतीश नीतीश करते रहे और आप नीतीश नीतीश कुछ दिन किए फिर लगे अपना नाम जपने उसने तो अपना झंडा नहीं फहराया वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना उसके बाद भी नीतीश का झंडा फहरा करके भी अपनी बात नहीं कहता जब कहता है तो पार्टी की बात करता है डिसिप्लिन से रहते हैं तो हमारे कहने का मतलब किसको मुख्यमंत्री में पिछलगु हो या कोई हर पार्टी में पिछलगु अच्छा आपसे बड़ा पिछलगु कौन है नहीं क्या बात करते हैं एक बात बता देते हैं राजनीति में या तो मजबूत कड़ी के साथ रहिए या तो मजबूत पावरफुल व्यक्ति के साथ रहिए कोई जगह रहना चाहिए तो मजबूत कड़ी आज पूरा भाजपा मोदी के पिछले एक चीज जान लीजिए सर जी विनोदर जी जब भी होते हैं तो देखते हैं कि ये आदमी हम ही को छोड़ के भाग गए तारिक अनवर के साथ
अगर मेरे साथ रहते तो इतनी कमजोर नहीं रहते। चलो भैया ना, जिस तरह अभी कौन है कि राजनीति में मजबूत आदमी के साथ होने तारीख का मजबूत नहीं हो। टिकट दिया टिकट तो आपको, टिकट तो आपको एनसीपी में मैं दूसरे दल में भी दिलवा सकता हूँ। ये जिस पार्टी में आप चाहेंगे मिल जाएगा टिकट, लेकिन टिकट लेके करेंगे क्या? दिलवाई हो लेकिन उनका विश्वास रहता है। ये नंबर तो ये होता है वो देखता है सबकी ये पैसा क्या खर्च करेगा मिलकर। आप सोचते हैं पार्टी का राजनीति का मूल क्या है? हम किसी दल में जाते हैं तो सोचता है कि पहले ही हम कहेंगे वो सारा ही पैसा खर्च करेगा कि नहीं करेगा हमारा। पैसे के मामला में किसी भी पार्टी में कभी भी भीख मांगा को आज के समय में टिकट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है पक्का जान भाई। तू अबू जानी लोग जाते बतिया सुन बात नहीं बोलत यार तू ना। ये नहीं बात इधर बात को खत बात बात हो गए था। अबू जान समझो ये देख रहा है बतिया कब खत्म हो। अब रुक ना उतना ही बोलत है चार टिकट कोई बोल ना बोलो का बोलो हमारा ही तो है का मतलब बात एक्सेप्टेड काहे करता हूँ बहुत ज्यादा एक्सेप्ट तो कर ही तो सच्चाई सच्चाई को भी नहीं कर रहा है मत मानेगा मर जाएगा तो भी आपको सिंबल नहीं देगा। उसी पे मैं इनके हर बात का सपोर्ट इसलिए समर्थन कर रहा हूँ अब तक जो कर रहे हैं। नहीं नहीं वो सर कर रहे हैं क्या बताते हैं आप जो भी कर रहे हैं वही बात बक्सर की बता रहा हूँ। विद्या जादू की जानते हैं विद्या जादू की जानते हैं उनका जन्म कहाँ से राजनीति में आरजेडी से आरजेडी से आरजेडी उनका भीख मंगवाते रहा किसी किसी को दे दिया किसी को इन्हीं लोग के चलते बक्सर सीटों में छोड़ दिया ना इनको दिया ना शेषनाथे को दिया ना इन्हीं लोग के चलते यादव को नहीं चाहता है बक्सर में टिकट दे ठीक चाहता है चलाक है और दूसरी जगह छोड़ दिया। बसपा में आए चुनाव जीत चुनाव जीत गए लोगों ने भी बक्सर के लोग मदद की जीत गए बाल्टी छाप लड़े जा गिलास लड़े क्या बेडोर के बाल्टी घर में चले गए। कोई भी दल यही सोचता है कि हम दे उससे पहले आप लगाओ बात समझिए राजनीति की बात को हम दे उससे पहले आप लगाओ लगाइए इन्वेस्ट कीजिए। आप नहीं लगाएंगे आपको सिंपल बढ़ते दो पढ़ लेता है उसका अपना लोग लगा देता है हर जिला में कि देखते रहिए इस आदमी को देखिए इसकी राजनीति बेस क्या पड़ता है। चुनाव से दो महीने पहले अपना पार्टी के ऐसे लोगों को विश्वसनीय आदमी को छोड़ता है जिला जिला में हर दल हमारी दल को छोड़ करके जिसके दमे नहीं है तो उसको उसको क्या करना है। सच्चाई का मुंह है घुमा रहे हैं सच्चाई है सच्चाई है काम कहाँ करेंगे भाई आपका टिकट टिकट दे देगा यदि अब हम अपना इन्वेस्ट करके और टिकट ले करके लड़े थे नहीं मानिए जदयू से कहा लड़े थे अरे जदयू नहीं शिवसेना से लड़े थे शिवसेना से लड़े क्या बात करते हैं पार्टी है मतलब गोली मारा जो शिवसे लड़ा चूली मार से चूली मार से कैसे मतलब है बात होता के बाद जदयू से जब टिकट मिलेगा तो देखेंगे। आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं ना कि इन्वेस्ट करेंगे तो टिकट मिलेगा तो बिल्कुल सही बात है इनकी बात को मान गए ना बात तो तू हिंका ले शुरू कर रहा था लेकिन इनका मुहावरा एक खाती कोई ना कि अपनों के कोहा बात हिंका ले एक खाती लेकिन सच्चाई यहाँ ये है कि हम आप इस बात पे जो हमारा हमने कहा अभी भी पार्टी में हमारा विश्वास नहीं है कि लोग बिहार या किसी प्रदेश एनी प्रदेश एक राष्ट्रीय महासचिव है जिसका नाम है के शर्मा आपके पार्टी का महासचिव हम के शर्मा नहीं कहते हम उनको सारा सार नहीं करते वो तो रवाना कर उनको नहीं कहते बात में कभी निकल गया मैं उससे गलत चीज है लेकिन सोशल वर्क में मैं उनको सर सार नहीं कहता। लेकिन मैंने कहा कि शर्मा जी आपकी औकात तो पार्टी नाप दिया है लेकिन कहा और आप कहीं के लायक नहीं है भले पटिया में बैठ करके इस पटिया में कुकुर नहीं कुकुर नहीं पूछता है पानी के ऊपर रहेंगे कहीं गई लेकिन आपको जब सिंबल काट दिया क्लेश ने आपने कहा कि हमारा एक सिंबल कर दिया प्रेमनगर प्रेमनगर बुलंद शहर में है हमको एक सिंबल हो गया। शरद पवार ने बयान दे दिया कि मैं अखिलेश के लिए लेक्चर दूंगा एक दिन प्रोग्राम करूंगा जिस दिन सिंबल दिया ना एनसीपी को हटा दिया
और दिल्ली था, दिल्ली से भागा लखनऊ आया, लखनऊ से जाकर अखिलेश के यहाँ नतमस्तक हुआ, फिर प्रेमनगर है, वो सीट दे दिया। लड़ाई में भी चला, एक अगर वो दिया सीट तो आपका नेता का भी कार्यक्रम होता, अपने हलवा। देखिए चुनाव लड़ना है तो कम से कम जिस शहर से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक चुनाव के समय भी आप पोस्टरों से अगर पाट देते हैं जो किराए का जो बंड बैनर है और बड़ी बड़ी पोस्टर लगा लेते हैं, लाख डेढ़ लाख लगा दिए, तो अब प्रचार में जनता दिखने लगेगा, जनता गुमराह हो जाएगी। जनता